प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DGCI ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में इन दो वैक्सीन की मंजूरी एक हथियार का काम करेगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। वैक्सीन तो काफ़ी पहले बन गई थी, पर ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। देश भर में लोगों के मन में एक भय था कि अगर वैक्सीन उनके ऊपर इस्तेमाल हुई तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे में झारखंड के कोडरमा जिले के झुलतले निवासी और वर्तमान में गोवा को अपना कर्मक्षेत्र बना चुके वर्धा होटल्स के सह संस्थापक अविनाश सिंह परमार ने खुद को ट्रायल के लिए प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि रिस्क को समझते हुए वो ट्रायल के लिए तैयार हुए। रिस्क तो होता है, जब ये ट्रायल है तो ट्रायल का मतलब ही है कि इट मे वर्क इट मे नॉट वर्क, तो रिस्क को समझते हुए हमने किया था। डॉक्टर्स तो खैर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं इस बारे में, चूंकि ये वॉलंटियर है, नोबडी इज फोर्सिंग यू, आपको खुद रिस्क लेके करना होगा। तो हमने रिस्क लिया, किसी को रिस्क लेना था। वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट हुआ था ये तो मालूम था, फिर एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया, उनको देख के फिर हमें भी लगा कि हमें भी करना चाहिए, और इस तरह फिर हमने किया इसको। अविनाश परमार ने कहा कि टीका लगने के बाद वो अभी पूरी तरह नॉर्मल है। उन्हें एक डायरी दी गई है जिसमें उन्हें अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से उन्हें कई प्रकार के रिएक्शन सुनने के लिए मिले। सबसे अहम था पत्नी सरिता और दोनों बच्चों का मुझे प्रोत्साहित करना। डरना तो स्वाभाविक है, डर तो लगता ही है और डर लगना भी चाहिए, बस सच्चाई है कि डर के आगे जीत है। तो अगर सब लोग डरेंगे और फिर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये ऐसा कुछ है जिसमें हम लोग हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में तो जहाँ चाहिए लोग चाहिए वहाँ तो लोगों को आना पड़ेगा आगे। तो डर के आगे जीत है, ये बोलना चाहूँगा, डरिए मत, आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि ट्रायल से पहले डर तो लगा था, डरना स्वाभाविक है, पर सच्चाई है कि डर के आगे जीत है। मैंने अपना पहला टीका 22 नवंबर को लिया था और बूस्टर डोज फिर 28 दिन के बाद था, तो वो 20 दिसंबर को मिला हमें। दोनों टीकाकरण के बाद बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ, लगने के बाद भी नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने हमें एक डायरी भी दिया हुआ है किसी तरह का तकलीफ होने से नोट करने के लिए, बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम एज नॉर्मल एज बिफोर, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे तो। वहीं दूसरे वॉलंटियर कुंदन कुमार ने बताया कि उन्हें पहली डोज 8 सितंबर को और दूसरी डोज 10 अक्टूबर को दी गई थी। 3 महीने हो चुके हैं और अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।